नौकरी दिलाने के बहाने महिलाओं को बच्चों संग बिहार से लाया गया हरिद्वार, करवाया देह व्यापार। नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। नौकरी के बहाने देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। बिहार की चार महिलाएं मुक्त कराई गई हैं और एक महिला व पुरुष गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि महिलाओं को पता चलने पर उन्होंने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई थी। डायल 112 के माध्यम से रानीपुर पुलिस और HSTU की टीम को किसी ने सूचना दी थी कि उनके बराबर में रहने वाली एक महिला ने बिहार की चार महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर यहां बुलाया है। वह उनसे देह व्यापार करवाना चाहती है। सूचना मिलते ही गैस प्लांट चौकी प्रभारी अशोक सरसवाल, आरक्षी रवि चौहान और महिला उपनिरीक्षक ज्योति नेगी के साथ मौके पर पहुंचे। यहां आस मोहम्मद उर्फ राजू कुरैशी निवासी दादूपुर गोविंदपुर के मकान में छापा मारा। यहां से चार महिलाएं और उनके दो बच्चों को बरामद किया गया है। इन चारों महिलाओं को सिडकुल क्षेत्र की फैक्ट्रियों में नौकरी के बहाने बिहार की अलग अलग जगहों से यहां लाया गया था। उनसे देह व्यापार कराने वाले एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपना नाम रवि और सिमरन बताया है, जो निवासी न्यू पटेल नगर सहारनपुर के रहने वाले हैं। ACP City स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि इन महिलाओं को किराए पर कमरा लेकर रखा गया था। उन्हें स्वजनों से संपर्क साधा जा रहा था। रेस्क्यू की गई एक महिला ने बताया कि वे दिल्ली में लाजपत नगर के किराए पर रह रही थी। पड़ोस में ही रहने वाली महिला ने सिडकुल की फैक्ट्री में काम दिलवाने के नाम पर 20 अगस्त को रजनी उर्फ सिमरन से बात करवाई थी। इसके बाद वह उसे 21 अगस्त को हरिद्वार लेकर आई थी और उसे रजनी के यहाँ पर छोड़कर चली गई थी। वे 24 अगस्त को हरिद्वार पहुंचे थे। रजनी ने उन्हें तब से एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। तब से यहाँ पर रोजाना नए नए लोग आकर उन्हें देख रहे थे। शनिवार की शाम को सिमरन ने कहा था कि आज दो लोग आएंगे और उन्हें नौकरी पर लेकर जाएंगे। पुलिस को मौके पर मिले मोबाइल में रेस्क्यू की गई महिलाओं के फोटो और व्हाट्सएप चैट भी मिली हैं। इससे उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलने का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने महिलाओं के आने के बाद उनके फोटो मोबाइल में खींचकर कुछ लोगों को व्हाट्सएप भी किए थे। महिलाओं ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस को बुलाया था। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर आरोपी रवि और सिमरन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बने रहें हमारे यानी द पेन पॉइंटर्स के साथ। धन्यवाद।